बीजों से भरा घड़ा। एक गांव में भरत और कुमार नाम के दो दोस्त रहते थे। एक दिन भरत ने तीर्थयात्रा जाने का निश्चय किया। मुझे वापस आने में कम से कम एक वर्ष लगेगा, इस धन को कहां छुपाऊं? भरत ने एक योजना बनाई। उसने 5,000 सोने के सिक्कों को एक घड़े में डाला, उसके ऊपर कुछ बीज डाले ताकि सिक्के छिपे रहें। फिर वो कुमार के घर गया। आओ भरत, स्वागत है। कैसे हो भाई? मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद। क्या तुम मेरी एक सहायता कर सकते हो? मैं अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरे वापस आने तक क्या तुम ये घड़ा तुम्हारे पास सुरक्षित रख सकते हो? बस एक ही घड़ा, चिंता मत करना, मैं देख लूंगा। भरत एक वर्ष के बाद भी नहीं आया तो कुमार ने घड़े के अंदर क्या है ये देखने के लिए घड़े को खोला और उसे पलटा। आहा, इतने सारे सोने के सिक्के, मैं सोने के सिक्के ले लूंगा और घड़े को बीज से भर दूंगा। कुमार कुछ बीज ले आया और उनसे उसने घड़ा भर दिया। कुछ दिनों बाद भरत अपनी यात्रा से लौट आया और कुमार से उसने अपना घड़ा वापस मांगा, पर जब उसने घड़े को खाली किया तो उसमें सिर्फ बीज ही थे। ये देखकर वो चकित रह गया और कुमार के घर गया। कुमार, मैंने घड़े में जो सोने के सिक्के रखे थे वो कहाँ गए? मैंने कुछ नहीं लिया, तुमने तो बीज से भरा घड़ा रखने के लिए दिया था, उसमें सोना कहाँ से आएगा? भरत ने उसे कुछ नहीं कहा, पर उसे दरबार में ले गया। रामन ने भरत की बात को ध्यान पूर्वक सुना। भरत, कितने महीने पहले इस घड़े को तुमने दिया था? लगभग 1.5 वर्ष पहले। रामन ने घड़े में भरे बीज को देखा। बीज बहुत ही ताजा दिख रहे थे। 1.5 साल पुराने बीज इतना ताजा नहीं दिखेंगे। ऐसा लगता है कि कुमार ने घड़े को खोला है, सोने के सिक्के ले लिए और वो घड़ा ताजी बीजों से भर दिया, इसलिए कुमार को भरत के 10,000 सोने के सिक्के वापस देने होंगे। कुमार ने महसूस किया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, पर उसने इस बात से इनकार किया। क्या 10,000? नहीं नहीं नहीं, उसमें तो सिर्फ 5,000 सोने के सिक्के ही थे। अगर तुमने सोने के सिक्के नहीं लिए तो तुम्हें कैसे पता चला कि घड़े में केवल 5,000 सिक्के ही थे? अब कुमार लज्जित हुआ और उसने सोने के सिक्के भरत को वापस दे दिए। भरत ने रामन को धन्यवाद दिए और उनकी चतुरता की प्रशंसा भी की।